हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब मैंने हायाबुसा की फुल सर्विस की वीडियो डाली तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया, तो इससे मेरा हौसला थोड़ा सा और बढ़ा कि मैं आप लोगों के लिए सर्विस की और वीडियो लेकर आऊं। तो आज हमारे पास जैसे सर्विस होने आई है ये KTM RC 200 BS4 बाइक, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग दूर करेंगे और मैं आपको पूरी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि कैसे इसमें हम सारी चीज़ें करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुकान छोटी है, थोड़े से टूल्स कम हैं, तो अगर मैं उसी का बार बार रोना रोऊंगा या बार बार उसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं सिंपैथी के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसलिए उन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इस बाइक में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस बाइक में इंजन ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज करना है, इसकी क्लच प्लेट चेंज करनी है दोस्तों, और इसमें गियर पहला गियर नहीं लगता है क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो ये गियर लीवर है ये एल्युमिनियम का है, तो गियर लगाते लगाते वो हल्का सा ढीला हो जाता है, तो इसके गियर लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे जो इसका फर्स्ट गियर नहीं लग रहा है इस समस्या को भी दूर करना है, और बाकी एयर फिल्टर साफ और भी जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो मैं दूर करने वाला हूँ। इसका साइड मिरर टूटा हुआ है, इसको अभी ये मिला नहीं है, और भाई वो लेकर आओ जरा दिखाओ। और इसका एक ब्रेक लीवर, पीछे की ब्रेक का लीवर टूटा हुआ है, तो ये हम इसमें नया लगाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे और साथ में जब खोलते जाएंगे तो जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, जो स्पेयर पार्ट होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी ये सर्विस, हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो अब हम सारी चीज़ें करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसका इंजन ऑयल निकल चुका है और इसमें 1.4 लीटर पड़ता है, मतलब 1400 ml पड़ता है, और इसमें 1 लीटर के डब्बे में इतना खाली है, मतलब इसमें इंजन ऑयल कम हो चुका है। ट्रक जाने दो भाई, इंजन ऑयल कम हो चुका है। अब इसके जिम्मेदार मोटुल हैं या KTM कंपनी है ये तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये देख लें कि इसमें इंजन ऑयल कम हुआ, क्योंकि हायाबुसा में कम नहीं हुआ था। तो ये जो भी कारण है मैं आपको इनके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इंजन ऑयल निकाल चुका हूं, अभी मैं इसका क्लच प्लेट चेंज कर लेता हूं दोस्तों। चलो भाई, क्लच खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी बोल्टों को खोलना पड़ेगा। ये इसका ऑयल फिल्टर है, इसको भी हम निकालेंगे। हाथ से लौंडा खोल रहा है देखो, और ये भाई बंदा बहुत जानकार है, किसी भी टॉपिक के बारे में बोल दो तो आदमी तुरंत बहुत बताएगा, मतलब आप किसी भी टॉपिक पे पूछ लो, मतलब ऊंट ऊंट हाथी वाथी के DNA, मतलब कुछ भी है। राहुल और तो भाई साहब क्या बताएं, देखो पसीना लौंडे के। अब ये उत्तर प्रदेश की भाषा है लौंडा ये, अब यहाँ पर गाइज वाइज तो बोलेंगे नहीं भाई। उत्तर प्रदेश खुशियों का प्रदेश, उत्तम प्रदेश नौजवानों का प्रदेश। ये रहा इसका क्लच, पैकिंग बच गई फट गई, बच गई है। हेलो, हाँ ओके ओके, ये है इसका क्लच, ये है इसकी टाइमिंग चेन। अरे दिखाने दो बाबू, ये है इसकी टाइमिंग चेन, ये है इसकी ऑयल पंप की गरारी, ये है इसका हब सेंटर, यहाँ से खुलेगा इसका क्लच। चलो खोलो, अरे फिल्टर भी खोल के दिखा देते यार इसी समय, क्या यार मतलब समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को। ऑयल फिल्टर ले आओ, ऑयल फिल्टर लेकर आओ, क्या कर रहे हो। ओके मैन, पहले एक मिनट यार, तुम लोग कैसे इंसान हो, पहले यहाँ पर थोड़ा सा साफ करो इसको, जिससे उसकी धूल मिट्टी न जाए, थोड़ा प्रीमियम टाइप काम करा करो, पैसे प्रीमियम लो, प्रीमियम काम करो, प्रीमियम की दुनिया है, समझते हो नहीं बात को, आ जाते हो रात को। इसमें इस तिल्लिक साफ करके पहले डालना भैया, बता रहे हैं
प्रीमियम काम मेरे को चाहिए, फर्जी काम चाहिए नहीं, पैसा मैं पूरा दे रहा हूँ तुम लोगों को। अपन को एकदम नाटक नौटंकी नहीं, मंगता क्या बोलने का। पतली चीज लाओ ना, अब एक फिल्टर निकालने में इतना टाइम, राहुल दोनों से लगा के निकालो, समझते हो नहीं यार तुम लोग। रुक जाओ, इतना भी जल्दी नहीं घुस जाओ उसी में। ये देखो, ये इसे कहते हैं असली मैकेनिक। बस करो भाई, बस करो, थोड़ा फर्श पे गिर जाने दो। चलो इतना टाइम नहीं, उसको पहले साफ करो, साफ कपड़े से, उसके बाद उसमें से कुछ भी डालना। प्रीमियम काम करो यार, तुम लोग क्या समझते हो। प्रीमियम गाड़ी, प्रीमियम काम, प्रीमियम पैसा, प्रीमियम खुशी, सब प्रीमियम। प्रीमियम के नाम पर इतना लूटा जाए, ये देखो। और वैसे भी प्रीमियम के नाम पर लूटा ही जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो एकदम। चलो इसको लगाओ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, इस फिल्टर के बारे में कभी आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्टर ऐसे लगेगा, और गलती से कभी अगर इसको ऐसे लगा दो ना, पूरे इंजन की ना, अब मैं ज्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, पूरे इंजन की वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी भाई, मतलब खत्म हो जाएगा इंजन। एक लड़के ने हमारे साथ जो काम करता था जब हम सीखते थे, तो उसने बजाज बॉक्सर में इसको उल्टा फिट किया था। उसके बाद भाई साहब इंजन, ओ माई गॉड, सब खत्म, बंटा एक गाना, सब खत्म। चलो लगाओ, वैसे चाहे तो आप उसमें बाहर से इंजन ऑयल डाल के फिल्टर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि थिंक बाइक, थिंक बाइंग पॉइंट, एंड थिंक डिफरेंट एंड डू डिफरेंट। देखा, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। अब खोलो। तो दोस्तों हमने इसके क्लच को पूरा खोल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये हब सेंटर, इसका हमने पूरा खोल लिया है, क्लच प्लेटें निकाल ली है। अब मैं आपको कमी दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे तो ये तो हल्की सी भीगी हुई है, लेकिन ये सूखी चल रही है, ये भी सूखी चल रही है, और इसके जो ये है पार्ट, ये लेदर वाले, ये जल चुके हैं। और इसका मैं एक प्रूफ देना चाहता हूँ आपको। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल घिस चुका है, जो इसका ये यहाँ पर आपको ये इसका मेटल दिख रहा होगा, लोहा दिख रहा होगा, और इधर आप देखेंगे तो इधर इसमें लेदर बचा हुआ है। अब मैं प्रूफ के लिए आपको नई क्लच प्लेट दिखाना चाहूंगा कि इसमें कितना है। यहाँ पर आप देखेंगे, अरे रुक जाओ भाई, ये आप देखेंगे इसमें यहाँ किनारे पर कितना बचा हुआ है, और ये किस प्रकार से है, और ये पूरी एकदम जल चुकी है। मतलब कभी इंजन ऑयल कम हो जाता है तो सूखी चल 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 के ये पूरी घिस चुकी है, इसकी वजह से बाइक सही से पिकअप नहीं ले रही थी। तो पूरी ये क्लच प्लेट खराब है भाई, और ये अब हम चेंज इसको कर देंगे, और ये चलेगी एकदम हिरन की तरह। कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, हिरन की तरह। अच्छा, तो ये है दोस्तों क्लच प्लेट। इसे एक तो पकड़ो भैया, रुको, अब ये दिखाने दो। ये आप देख सकते हैं, ये है नई और ये है पुरानी, ये है जल चुकी हैं। और खास करके जैसे यहाँ पर तो कुछ कुछ समस्या थी, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर थी। इसके और भी जुगाड़ हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। अब इसको पकड़ो जरा राहुल, और जरा वो दो इसका नट, नट दो, नट के बारे में बताना यार, ये कौन सा नट है भाई राहुल, क्लच वाला, क्लच पर ये वहां रखे है, जल्दी लेकर आओ यार, क्लच कवर लेकर आओ जल्दी, क्लच कवर लेकर आओ जल्दी, क्या कर रहे हो। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो नट है ये आप देख रहे हैं, इसमें ये पुलर लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अरे रुक जाओ चाचा, ये इसमें ऐसे ये पुलर लगेगा, तो मुझे बताना, ये सिंपल सी बात, अगर इसमें ये लाइनिंग वाला है, ये लाइनिंग वाला बना है, तो समझ लो ये रॉन्ग साइड खुलेगा, उल्टा खुलेगा ये, मतलब कि, अरे दिखाओ यार, ये ऐसे खुलेगा, मतलब इधर को टाइट होता है, लेकिन ये खुलेगा इधर को, जिसमें ये यहाँ पर ये निशान बना होता है, वो बोल्ट ऐसे खुलेंगे। बस इतना सा बताना था। अब हम इसके क्लच को फिट कर लेते हैं, KTM RC 200, साथ में नया लौंडा, अभी मतलब कुछ पुराना हो चुका है और ये पुराना लौंडा है, दिखाओ जरा शकल अपनी।
तो दोस्तों इसको फिट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब इंजन ऑयल डालने का समय आ चुका है। इंजन ऑयल दिखाओ भाई जरा। ये है भैया मोटुल का डाल रहे हैं, कोई एड ओड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है मोटुल 1.5 लीटर है, 7110W50। डालो भाई इसको जरा। और हम आपको बताएंगे कि मोटुल अच्छा है कि नहीं है, कैस्ट्रॉल अच्छा है कि नहीं है, बीडॉल अच्छा है कि नहीं है, ये सब बताएंगे इन सभी कंपनियों के बारे में, क्योंकि भाई इनके बारे में बहुत। सूंघो जरा, सूंघो, सूंघ के बताओ जरा, सूंघ के बताओ क्या स्थिति है भाई। है? बहुत मस्त। अच्छा, मतलब इसको अगर डाल दोगे किसी भी बाइक में तो क्या, जैसे कि 10-20 हज़ार से, मतलब इंजन नहीं लगेगी, इंजन मतलब नहीं खुलेगा उसका कभी भी, ऐसा क्या? या वन पॉइंट फोर लीटर ही डालना। ओके, इसका जरा लेबल ओबल चेक कर लेना। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड मी? वाह, या या या, जब हम इंजन ऑयल का खुलासा करेंगे तो आपको मजा तो बहुत आएगा। इसीलिए हम पहले टेस्ट सब कर ले रहे हैं कि कौन सा क्या है क्या, क्योंकि जब वीडियोज बनाएं तो एकदम पुख्ता सबूत के साथ बनाएंगे। और भैया यहाँ पर मोटुल पड़ रहा है, और इसका कूलेंट भी चेक कर लेना उस्ताद। चलो बस हो गया, हो गया। ओके 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 बॉय। हेलो गाइज, चलो रखो इसको। मेरे को प्रीमियम काम मांगता है क्या, इसको साफ करके फिर लगाने का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ये ऑयल लगा रहता है, आप वैसे ही इसकी कैप को लगा देते हैं तो फिर वहां पर मिट्टी, धूल मिट्टी आती है, तो फिर बाद में आपकी रबड़ कट जाती है। इसलिए मेरे को प्रीमियम काम चाहिए इसको साफ करके लगाने का। लगाओ, फटाफट लगाओ। अब इंजन ऑयल का काम पूरा हो गया भैया, और वो चेक कर लो जरा। दोस्तों इस बाइक की फुल सर्विस हो चुकी है, और अब मैं इसकी टेस्ट राइड लेता हूँ, इसको चलाकर देखता हूँ, भगा के देखूंगा, ब्रेक लगा के देखूंगा कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, कितनी लल्लन टॉप लग रही है। स्विच ऑन करते हैं। न्यूट्रल में मैंने बाइक खड़ी की हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल है बाइक, और अब मैं फर्स्ट गियर इसमें डालूंगा। पहले स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट, और ये फर्स्ट गियर इसमें लग चुका है, और अब इसको उड़ाते हैं। दोस्तों इस बाइक की KTM RC 200 BS4 की फुल सर्विस हो चुकी है, मतलब एकदम झक्कास और लल्लन टॉप ये बाइक हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा झूठ आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता होगा आप लोगों के साथ या बहुत से लोगों के साथ, जैसे कि मैंने बता दिया भैया एकदम फुल सर्विस हो चुकी है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका एक फ्यूल फिल्टर होता है जो पेट्रोल टैंक के नीचे होता है, वो मैंने अभी चेंज नहीं किया है, और उसको मैं अभी चेंज कर दूंगा। तो आप लोग पूछेंगे भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, पहले उसको चेंज कर लेते तब वीडियो बनाते, तो भाई रात हो जाएगी तो वीडियो बनाने में जैसे सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, तो इसलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं अभी चेंज कर दूंगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई जब लल्लन टॉप बाइक हो गई है, एकदम झक्कास हो गई है, तो चल कैसी रही है ये बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस बाइक में पहला गियर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका यहाँ पर ये लीवर सही नहीं था, तो यहाँ पर एक पत्ती लगाकर टाइट कर दिया गया है, तो अब पहला गियर लगने लगा है, तो बाइक और भी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है, क्योंकि पहले तो गियर लग नहीं रहा था, तो आप जानते हैं कि अच्छी चलने लगेगी। और दूसरी चीज़, इस बाइक में ब्रेक पैडल टूटा हुआ था, ब्रेक नहीं लग रही थी, तो कॉन्फिडेंस था नहीं चलाने में, तो इसलिए अब जब ब्रेक पैडल लग चुका है तो बाइक और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से मैं भी और जिनकी बाइक है वो भी इस बाइक को चला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब मैंने इसकी क्लच प्लेट चेंज की थी तो मैंने कहा था हिरन की तरह चलेगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब बाइक आपकी पुरानी हो जाती है, जब आप उसमें क्लच प्लेट चेंज करवाते हैं, तो बाइक का पिकअप बिल्कुल एकदम नई बाइक की तरह हो जाता है, और बाइक और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चलने लगती है।
तो जब मैंने इसकी सर्विस की तो आपने देखा कि इसमें इंजन ऑयल कम था और इसकी क्लच प्लेटें जली हुई थी, गियर नहीं लग रहा था, ब्रेक लगाने में दिक्कत हो रही थी। ये सारी दिक्कत जब हमने दूर कर दी तो बाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा अच्छी चल रही है, पिकअप भी बढ़िया हो गया है और ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई क्योंकि लीवर हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा कि नहीं भाई नई से भी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये नए जैसी चल सकती है, नई की तरह नहीं चल सकती क्योंकि ये बाइक चल चुकी है दोस्तों। तो अब यही जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाया, और आप लोग बताएं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे हमारी सर्विस को। और अब भाई मैंने आपको बताया कि हमारी दुकान छोटी है इसलिए इस जगह पर ना जाएं। हमारी सर्विस कैसी लगी, हमारी कस्टमर सर्विस कैसी लगी आप लोग बताएं। मेरे मन में भी ये इच्छा है कि अगर कभी मेरे पास पैसे हों तो मैं हर जगह अपनी सर्विस सेंटर खोलूं, लोगों को सेवाएं दूं, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं तो ये शायद संभव ना हो पाए। फिलहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये सर्विस पसंद आई हो तो हाँ, एक चीज़ भाई, इंजन ऑयल लगा है, इंजन ऑयल फिल्टर लगा है, क्लच प्लेट लगा है और ये सारी चीज़ें विकास भाई लेकर आए थे जिनकी बाइक है, और वही उसका प्राइस बता पाएंगे और मैं कन्फर्म प्राइस बता नहीं पाऊंगा इसलिए अभी इसका प्राइस नहीं बता रहा हूँ। किसी और वीडियो में सारी चीज़ें जोड़ के कंपनी में जाके एक एक चीज़ का मैं आपको प्राइस बता दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।